दोस्तों बुजुर्गों, ये देखो इस मकान का अभी फर्श की तैयारी करने लग रहा हूँ। ये 40x40 का एरिया है, तो उसका कितना ढाल होना चाहिए ये लेवलिंग में देखो। यहाँ पर 1.5 इंच चाहिए ना, तो यहाँ पर लोहे तक पास कितना होना चाहिए, वहाँ तक और यहाँ तक 40 फुट का एक एरिया के अंदर देखो सिर्फ 1.5 इंच का ढाल आना चाहिए। देखो ये टाइल का पर्स है ना, छत का 1.5 इंच का ढाल है। देखो खूबसूरत में अभी ये टेल वाला पर्स है ना, ये हम लगाते हैं ग्रेनाइट वाला, तो देखना कैसे लगेगा। और मेरे भाइयों समझना और सोचो समझो, फिर देखो लाइक करो, ताकि कैंची वाला पर्स है ये टाइल का, ये लगाएंगे। घर अभी शुरू करके 4 तारीख को बताता हूँ मैं, किसी भाई को पर्स लगाना है तो ऐसे लगाओ, ठीक है भाई। कैंची वाला ये क्रेक वाला पर्स है, ये वो नहीं है, देसी पर्स नहीं है ये। इसकी चाल देखो, वहाँ पर क्या चीज़ आई, वहाँ पर क्या चीज़ आई, देखो इसको कैंची वाला कैंची कहते, कैंची कैंची नहीं है ये है क्रेक वाला। देखो आ गई ये कैंची वाला है, वो नहीं है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये देखो हमें पर्स की तैयारी की है, पहले को पर्स है ये। ये दराज क्यों छोड़ी जाती है इतनी, देखो एक सार होनी चाहिए ये, ताकि इसके अंदर मसाला डालेगा। ये दरार आधा इंच की रहनी चाहिए, आधा इंच की दराज खुली रहेगा तो इसको टाका और टीप जो भरी जाएगी बिल्कुल आसान बात हो जाएगी। इसमें मसाला भी आएगा, सारा काम भी होएगा। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इस तरह से लाइन टू लाइन काम करो। We'll be right back.
We'll be right back.